राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट रविवार को दोपहर जोधपुर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बाद में पायलट ने कुछ देर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। यहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार सिर्फ कांग्रेस की उपलब्धियों का नाम बदल रही है और कुछ नहीं कर रही, महात्मा गांधी तक को कम आंका जाने लगा है। जयपुर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा सुनने वाला इस राज में कोई नहीं, यहां तक कि भाजपा के नेता ही आरोप लगाते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। अब जनता ही तय करेगी कि राज किसे सौंपना है। मुख्यमंत्री के दौरे पर पायलट ने कहा कि कल यहां मुख्यमंत्री आई थी, अब घूमने से क्या मिलने वाला है। जनता अब मन बना चुकी है कि कांग्रेस फिर से इस बार बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वहीं खानों के आवंटन को लेकर पायलट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि 12 जनवरी 2015 को सरकार ने यह निर्णय किया था कि माइंस का आवंटन नहीं होगा, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसी दिन सैकड़ों खाने रातों रात आवंटित कर दी। उसके बाद इन खानों को कैंसिल भी कर दिया गया। जिनकी खाने कैंसिल हुई उनके द्वारा कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई। जज के निर्णय में लिखा गया कि सरकार ने जानबूझकर इसके तथ्य छुपाए, इसलिए इसे कैंसिल करना पड़ा। पायलट ने यह भी कहा कि सरकार जानबूझकर इस केस को हारना चाहती थी, जिससे दोबारा इनके आवंटन करने का कारण मिल सके। जज खुद कह रहे थे कि तथ्य मिलते तो CBI को जांच सौंप दी जाती। जोधपुर में अपने कार्यक्रम के बाद सचिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। तो रातों रात 650 माइंस कैंसिल कर दी। अब देखो कितनी चतुराई से उन्होंने काम किया। वो खाने कैंसिल कर दी गई और जब जिनकी खान कैंसिल हुई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाली है। कोर्ट में जब पिटीशन डाली गई कि कैंसिलेशन गलत किया गया है, तो राजस्थान सरकार ने जानबूझ के, और ये कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है, जानबूझ के पूरे तथ्य जज साहब को उपलब्ध नहीं कराए। जज के जजमेंट में आप पढ़िएगा, जज साहब ने स्पष्ट लिखा है कि अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट मुझे दे दें तो मुझे इस जांच को CBI को देने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन सरकार ने जानबूझ के उनसे फैक्ट छुपाए और ये कारण भी नहीं बताया कि उन्होंने कैंसिल क्यों किया। जब आप तथ्य नहीं दोगे या वकालत नहीं करोगे, अपने खुद के निर्णय को आप डिफेंड नहीं करोगे, तो एविडेंस के अभाव में कोर्ट को उस कैंसिलेशन को कैंसिल करना पड़ा। अब जब कोर्ट ने कैंसिल किया तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि सरकार अपने निर्णय पर अड़िग रहती है। उस निर्णय को ना तो डबल बेंच में चैलेंज किया, ना सुप्रीम कोर्ट गए, मतलब जानबूझ के ये सरकार उस केस को हारना चाहती थी ताकि पेटिशनर को फायदा मिले और वो खान जो आवंटित उन्होंने गलत की थी पहले और हमारे दबाव में उन्होंने कैंसिल करी, उसको दोबारा आवंटित करने का रास्ता खोल सके। कोर्ट ने कहा कि 2 महीने में आप आवंटन वापस करिएगा, क्योंकि सरकारी वकील ने कोई तथ्य नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिया, और अगर जवाब देते तो जज खुद कह रहे हैं कि मैं CBI को जांच देने को तैयार हूं।